नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सचिवालय में 452 आशुलिपिकों की होगी नियुक्ति, 28 जून से भरे जाएंगे फॉर्म, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू की प्रक्रिया। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 452 आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होगी। क्रामिक विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए सूचना जारी कर दी। इन पदों पर नियुक्ति झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के माध्यम से होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जून से भरे जाएंगे। आप सबको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 27 जुलाई की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 30 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा, जबकि 2 अगस्त तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थी 3 से 5 अगस्त तक किए गए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट मिलेगी। आप सबको बता दूं कि नियुक्ति हेतु परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी। पहले चरण में कौशल जांच तथा दूसरे चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी। कौशल जांच परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसमें सफल घोषित अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। कौशल जांच परीक्षा में हिंदी आशुलेखन तथा कंप्यूटर योग्यता की परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा 2 पत्र की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। लिखित परीक्षा में हिंदी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न यानी कि 75 अंक का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 25 प्रश्न यानी 75 अंक का, सामान्य अध्ययन 25 प्रश्न यानी 75 अंक का तथा तर्क एवं मानसिक क्षमता जाँच 25 प्रश्न यानी 75 अंक का, यानी कि कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड में मानसून का दिखेगा तेज असर, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए उपयुक्त पर्यावरण माहौल बन रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से जारी रिपोर्ट के माने तो दक्षिण पश्चिम अरब सागर और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून का असर तेज हो जाएगा। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। राज्य के उत्तर पूर्वी इलाके में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और तेज रफ्तार से हवा बहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं इन्हीं हिस्सों में 5 जून तक आंशिक बादल छाए रहने और बूंदाबूंदी की भी संभावना है। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। आप सबको बता दो कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश जमशेदपुर में 43.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वहीं सबसे अधिक तापमान मेदिनीनगर का 40.7 डिग्री रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर का दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आप सबको बता दूं कि रांची में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आकांक्षा कोचिंग से मेडिकल, इंजीनियरिंग और कलेक्ट की तैयारी के लिए अंतिम मौका। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित आकांक्षा कोचिंग के माध्यम से मेडिकल, इंजीनियरिंग और कलेक्ट की तैयारी निशुल्क की जा सकती है। इस कोचिंग में एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए अब भी मौका दिया जा रहा है। इच्छुक और योग्यता रखने वाला उम्मीदवार अब 4 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। यह परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली जाएगी। आप सबको बताते चले कि आकांक्षा कोचिंग में एडमिशन के लिए हर जिले से स्टूडेंट के आवेदन की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदन नहीं आने की वजह से आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। आकांक्षा कोचिंग के माध्यम से मेडिकल, इंजीनियरिंग के साथ साथ कलेक्ट की तैयारी का निर्णय राज्य सरकार ने इसी साल लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 13 मार्च को इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस कोचिंग के माध्यम से 11 से 12वीं के स्टूडेंट को कलेक्ट और 10वीं के स्टूडेंट को राष्ट्र प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने का निर्णय लिया गया है।
आप सबको बता दूं कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के अलावा अन्य प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। इसके अंतर्गत अब राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्र प्रतिभा खोज परीक्षा एवं ओलम्पियाड की विशेष आवासीय कोचिंग के लिए कुल 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें कक्षा 7 से 25, कक्षा 8 से 25, कक्षा 9 से 25 और कक्षा 10 से 25 विद्यार्थी होंगे। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लर्क के लिए कक्षा 11 से 50 और कक्षा 12 से 50 यानी कि कुल 100 विद्यार्थी का चयन किया जाएगा। आप सबको बताते चलें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आकांक्षा कोचिंग का संचालन किया जाता है। इस कोचिंग का संचालन पहले प्रखंड स्तर पर होता था, जिसे अब विस्तार देते हुए केवल राज्य स्तर पर संचालित किया जाता है। इस कोचिंग में स्टूडेंट का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। चयनित स्टूडेंट पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करती है। झारखंड में कक्षा 1 से 12 तक स्कूली बच्चों का बनेगा जाति प्रमाण पत्र, तैयार हो रही है कार्य योजना। झारखंड में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर क्रामिक विभाग ने इस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। पंचायत चुनाव और गर्मी छुट्टी के बाद इस स्कूलों में अभियान शुरू होने की उम्मीद है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सभी कॉमन सर्विस सेंटर के साथ स्कूलों को संबद्ध किया जाएगा तथा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए आवश्यक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य सचिव ने इस काम के लिए सभी उपायुक्तों को मास्टर प्लान तैयार करने को कहा है, जिसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। सरायकेला, पाकुड़, कोडरमा तथा पलामू जिले के उपायुक्त इस कार्यक्रम को तैयार करने के लिए स्वेच्छा से हमें भी भर दी है और क्रामिक विभाग को भेजा भी गया है। जल्द ही एक बार फिर से सभी उपायुक्तों द्वारा इस संबंध में प्रेजेंटेशन तैयार कर सीएस के समक्ष रखा जाएगा। हेमंत सोरेन से लिपट कर रो पड़ी ममता। पूर्व विधायक प्रशांत मंडल को सीएम ने दी श्रद्धांजलि। पोड़ैयाहाट में अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके प्रशांत मंडल के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वजन से मुलाकात की। रोते बिलखते स्वजन को ढाढ़स भी बंधाया। उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान की चर्चा भी की। ईश्वर से दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना भी की। मालूम हो कि प्रशांत मंडल अपने इलाके के 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थे। सोमवार को रांची में हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। वह करीब 60 वर्ष के थे। आप सबको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने राजनीतिक करियर का उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में वह भाजपा में चले गए थे। अंतिम समय में वह भाजपा से जुड़े रहे। सांस लेने में परेशानी होने के कारण वह मेडिका अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। इलाज के दौरान सोमवार रात उनका निधन हो गया। उनका पार्थिव शरीर को मंगलवार को रांची से पोड़ैयाहाट स्थित पैतृक आवास ले गया, जहां उनका अंतिम दर्शन किया। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। गोड्डा से चाईबसा के मदरसे में प्रवेश कराने के नाम पर गोड्डा के 41 नाबालिगों को ले जाया जा रहा था, आरपीएफ ने छुड़ाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के एक मदरसे में प्रवेश दिलाने के नाम पर परिजनों के दस्तावेज के बिना गोड्डा जिला से ले जा रहे 41 नाबालिग बच्चों को सोमवार की देर रात आरपीएफ ने जसीडी रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया है। बच्चों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद चाइल्ड होम के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर सुमिरन चौधरी ने बताया कि सोमवार की गुप्त सूचना के आधार पर सूचना मिली थी कि कुछ युवक द्वारा काफी संख्या में नाबालिग बच्चों को ट्रेन के माध्यम से कहीं बाहर ले जा रहे हैं, जिसके कारण टीम गठित की गई तथा एक्सप्रेस ट्रेन को देर रात सारे बच्चों को डीरेल यानी कि ट्रेन से उतार कर जांच पड़ताल की गई। इसमें 6 वर्ष से 16 वर्ष के करीब बच्चे शामिल हैं। सारे बच्चे गोड्डा जिले के बताए गए हैं। देर रात कटिहार टाटा एक्सप्रेस से चाईबसा के एक मदरसा में एडमिशन कराने हेतु ले जाया जा रहा था, मगर पूछताछ के क्रम में किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं दिखाने पर सारे बच्चों को सुरक्षित अभिरक्षा और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए हिरासत में लेकर चाइल्ड होम को सौंप दिया है। साथ ही साथ सारे बच्चे के परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। इस मौके पर एसआई खुशबू कुमारी, यूके वर्मा, विष्णु दत्ता समेत अन्य पदाधिकारी एवं जवान मौजूद थे। दुमका में पति को बंधक बनाकर पत्नी से गैंग रेप करने वाले सभी दोषियों को 25-25 साल की सजा।
दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने पति को बंधक बनाकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी के साथ दिसंबर 2020 में मुफसिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में किए गए सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी 10 अभियुक्तों को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है। दुमका के मुफसिल थाना क्षेत्र के घासीपुर गांव में 8 दिसंबर 2020 को हुए गैंगरेप के इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के डीजीपी को समयबद्ध ढंग से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। आप सबको बता दूं कि इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 नाबालिग थी। गुमला के एलआरडीसी ऑफिस के पेशकार 4100 रुपए घूस लेते गिरफ्तार। गुमला में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एलआरडीसी ऑफिस के पेशकार बिना देवी को 4100 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। एसीबी ने उससे अपने शिकंजे में ले लिया है। उसके घर की भी तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि बिना देवी ने एक दिव्यांग छंदू उराव से जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर 4100 रुपए घूस की डिमांड की थी। छंदू उराव ने कहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ, इतना पैसा कहाँ से दे पाऊंगा। इसके बाद भी पेशकार बिना देवी ने कहा था कि नजराना देना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आपका जमीन का काम होगा। इससे परेशान होकर छंदू ने इसकी लिखित शिकायत की। एसीबी ने मामले की जाँच की और जब मामला सही पाया तो मंगलवार को एसीबी की टीम गुमला पहुँची और बिना देवी को 4100 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। एसीबी की कार्रवाई के बाद गुमला में हड़कंप मच गया। कर्मचारी मामले की जानकारी लेने के लिए एसीबी के इर्द गिर्द भटकते नजर आए। दिन के 1 बजे तक एसीबी की टीम बिना देवी के घर की जांच करते रही। एसीबी को शक है कि कहीं वह अपने घर पर पैसा जमा कर तो नहीं रखी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने किया नामांकन। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने जा रहे चुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी महुआ मांझी ने नामांकन दाखिल किया। महुआ मांझी ने 2 सीटों में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान महुआ मांझी के साथ सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, सुप्रियो भट्टाचार्य, समीर मोहंती, सुदीप सोनू और जोबा मांझी भी उपस्थित थे। महुआ मांझी के नाम से कांग्रेसियों का छलका दर्द। जेएमएम की ओर से राज्यसभा के लिए महुआ मांझी का नाम जारी करने के बाद कांग्रेसियों का दर्द छलका। झामुमो के फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट कर अपना दर्द बयां किया। सुखदेव भगत ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इरफान अंसारी ने ट्वीट कर कहा कि पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आकर लगा वह एक दोस्त ने मारा था। विधायक दीपिका सिंह ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की ओर से संयम होकर बातें रखी जा रही है। वर्तमान में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की छवि धूमिल हो रही है। कांग्रेस का अपना अस्तित्व है। झामुमो को लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। झामुमो के स्टैंड पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सीएम के साथ भी बात और झामुमो के फैसले में विरोधाभास है। श्री ठाकुर ने कहा कि झामुमो ने जो भी फैसला लिया है निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया होगा। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सहमति बनी कुछ और जेएमएम ने किया कुछ। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की प्रत्याशी महुआ मांझी के नामांकन दाखिल की प्रक्रिया के बीच कांग्रेस के नाराजगी सामने आ रही है। जेएमएम के ऊपर सहमति के इतर जाकर निर्णय लेने का आरोप कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद ने लगाया है। न्यूज एजेंसी ANI के ट्वीट के मुताबिक बड़का गाँव से कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि जेएमएम की राज्यसभा प्रत्याशी का नाम जारी करना मेरे लिए एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में निराशाजनक है। अंबा प्रसाद ने कहा कि वे कुछ और पर सहमत हुए और यहाँ कुछ और तय किया गया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मतभेद सुलझ जाएंगे ताकि यह हमारे राज्य को प्रभावित ना करे। बीजेपी कैंडिडेट आदित्य साहू ने किया नामांकन। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी कैंडिडेट आदित्य साहू ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा नामांकन के लिए आदित्य साहू के साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम रघुवर दास, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत अन्य नेता विधानसभा पहुंचे। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। नामांकन के बाद श्री साहू ने कहा कि वे सदन में झारखंड की आवाज बुलंद करेंगे। झारखंड में 3 आवासीय विद्यालय के एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 4 जून तक आवेदन का मौका।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित 3 आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की तिथि को विस्तार दे दिया गया है। यह एडमिशन टेस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से लिया जाएगा। जैक की ओर से एप्लीकेशन की तारीख बढ़ाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिन स्कूलों में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा वे मॉडल स्कूल, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पर संचालित आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग है। इन स्कूलों में क्लास 6 में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है। आप सबको बता दूं कि जैक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट की ओर से भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म 4 जून तक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से एप्लीकेशन की लिस्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 7 जून तक जमा होंगे। इसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 18 जून से प्राप्त किए जा सकेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।